नमस्कार दोस्तों, ये 7 kg की वॉशिंग मशीन है सैमसंग की, सेमी ऑटोमेटिक, और इसका वॉश जो है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है। और जबकि इसके स्पिन जो टम्बलर है उसमें बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही है दोस्तों, और वो एक साइड में झुक रहा है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे ये अनबैलेंस हो रखा है, एक साइड में झुक रखा है और इसमें से पानी भी निकल रहा है। तो दोस्तों देखने से पानी जो निकल रहा है वो देखने से लग रहा है कि इसका जो बुश बेलो होता है वो कट गया है, और शायद इसके जो शोकर हैं वो भी ख़राब हो गए हैं ऐसा लग रहा है देखने से। और अपन इसको एक बार चला के देख लेते हैं दोस्तों। तो चलाने पर दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, और वॉशिंग मशीन जो है हिल रही है, कंपन कर रही है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है। तो इसको ऑफ करते हैं, इसके बैक साइड का जो कवर है उसको एक बार खोल के देखते हैं। बैक साइड का कवर जो है इसके स्क्रू मैंने पहले ही खोल रखे थे ताकि आपका समय बच पाए। और अब आप देख पा रहे होंगे कि इसकी मोटर जो है वो कितना वाइब्रेट कर रही है और कितनी अनबैलेंस हो रखी है दोस्तों। इसके शोकर भी खराब हैं, और साथ में ऊपर की तरफ आप आसानी से देख पा रहे होंगे इसका बुश बेलो भी बहुत कटा हुआ लग रहा है। मोटर बहुत ज्यादा अनबैलेंस हो रखी है, लेकिन अभी तक दोस्तों इसकी मोटर जो है वो सही से वर्क कर रही है। अपन इसका बुश बेलो निकालते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं, और साथ में इसके जो शोकर हैं उसको भी रिप्लेस कर देंगे दोस्तों। इसके शोकर और बुश बेलो मार्केट में आसानी से कम रेट में, यानी कि जो शोकर हैं वो 100 रुपये से 150 रुपये के बीच में उपलब्ध हो जाते हैं, और इसका बस बेलो 100 रुपये के लगभग ये भी आसानी से मार्केट में मिल जाता है। और इसको आप परचेज करने के लिए या तो इसके पुराने ओल्ड मॉडल को, इसको ख़राब हुए शोकर या बस बेलो को लेके जाएं साथ में, या फिर कंपनी का नाम बताकर भी, आप कंपनी का मॉडल नंबर बताकर भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस स्पिन टम्बलर को बाहर निकालने के लिए अपन इसकी स्पिन टम्बलर को बाहर निकालने के लिए इस ढक्कन को खोल देते हैं, और ये जो पेच लगे हैं दोस्तों ये, और एक ये पेच खोल लेंगे अपन, और पेच खोलने के बाद में आसानी से इसको बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इस पेच को अपन खोल लेते हैं। पेच को खोलने के लिए स्टार पेचकस की अपने को ज़रूरत होती है। स्टार पेचकस से इस स्क्रू को अपन खोल लेते हैं, इस स्क्रू को बाहर निकालेंगे दोस्तों, इस ढक्कन को खोल लेंगे, और यहाँ पे 4 अंगुली नीचे और अंगूठा ऊपर लगा के हल्का सा ऊपर प्रेस करेंगे तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। इसमें किसी प्रकार का पेचकस वगैरह फंसाने की ज़रूरत नहीं होती है। पेच कर वगैरह फंसाओगे तो ये टूट जाएगा। अब इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से एक साइड में करके इसको देख लेंगे कि कोई कपड़ा वगैरह तो नहीं फंसा है। और अधिकतर जो है बुश बेलो जो है वो कपड़े वगैरह फंसने के कारण ही फटता है, अन्यथा वो जल्दी से फटता नहीं है, बहुत हार्ड होता है, मजबूत होता है। तो इसमें हमने देख लिया है किसी भी प्रकार का कोई भी वेस्ट कपड़ा या कुछ भी इसमें फंसा नहीं है। अगर अब अपने पास 8 की और 10 की जो है गोटी सेट होना चाहिए। इसमें आप देखोगे इसकी पुली पे तो यहाँ पे 10 नंबर का इसका चकनट होता है, 8 नंबर का इसका बोल्ट होता है। तो सबसे पहले 10 नंबर का लगा के इसका चकनट थोड़ा लूज कर लेंगे ताकि बोल्ट इसका आसानी से खुल सके। कई बार क्या करते हैं दोस्तों, आप लापरवाही करते हैं कि पहले चकनट को नहीं खोल के आप 8 नंबर गोटी सेट लगा के डायरेक्ट बोल्ट को खोलते हैं, जिससे क्या होगा बोल्ट आपका टूट जाएगा और आप दिक्कत आ जाएगी आपको, फिर ये बोल्ट खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। इसलिए पहले आप चकनट को खोलें 10 नंबर गोटी लगा के, फिर 8 नंबर गोटी लगा के इसके मेन बोल्ट को खोल लें, और इसको पूरा ज़्यादा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है।
और अब आसानी इसके टम्बलर को उठाकर ऊपर की स्पिन टम्बलर को ऊपर की तरह हल्का सा घुमा के और ऊपर की तरफ खींच लेंगे, बाहर निकल जाएगा। ये मैंने बाहर निकाल लिया है मित्रों। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर करें। और ये देखो दोस्तों आपको दिख रहा होगा इसका बुश बेलो कट गया है, और अब अपन इस कटे हुए बेलो को इसको बाहर निकालेंगे और रेगमाल से साफ करके इसको दूसरा बुश बेलो लगाएंगे। इसको पुराने वाले को अपन घुमा के हल्का बाहर निकाल लेंगे। ये देखो दोस्तों कितना ख़राब हो गया है, इसका बुश भी कट गया है और रबड़ बिल्कुल ख़राब हो गया है दोस्तों। अब पहले इसको खराब बुश बेलो को उखाड़ेंगे प्लास के माध्यम से। अब इसका जो पुराना वाला जो कड़ा होता है इसको पकड़ के खींच लेंगे अपन। ये पुराना वाला कड़ा है, ये मैंने निकाल दिया है। ये कड़ा आप चाहें तो दोबारा भी इसको यूज में ले सकते हैं, इसका कुछ कोई ख़राब नहीं होता है। ये ओनली बुश बेलो ही ख़राब होता है, ये कड़ा जो है ये ख़राब नहीं होता है जल्दी से। और अब जितनी भी गंदगी यहाँ पे है उसको अच्छी तरह से रेगमाल से या आरी के फनर से इसको साफ कर लेंगे अपन। ये पूरा जितना भी यहाँ पे फेवी बॉन्ड लगा हुआ है उसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे इसको खींच के। अगर यहाँ पे गंदगी रह गई दोस्तों तो थोड़े दिन बाद में लीकेज होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पे अच्छी तरह से इसको साफ करेंगे। जितनी भी गंदगी यहाँ पे लगी हुई है उसको अच्छी तरह से साफ करेंगे। ये मैंने पूरी गंदगी लगभग साफ कर ली है। और अब जो सेम कंपनी का अपन बुश बेलो लेके आएंगे, सैमसंग का बुश बेलो लेके आएंगे। अगर सैमसंग का बुश बेलो आपको नहीं मिले, सेम कंपनी का बुश बेलो नहीं मिले, तो आप मल्टी जो बुश बेलो होता है उसका भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। ये अपने पास मल्टी बुश बेलो है जिसमें चूड़ी होती है और इसमें कड़ा होता है। इस कड़े को अपन एक बार निकाल लेते हैं, बाहर इसको घुमा के इसको बाहर निकाल लेंगे। ये मैंने बाहर निकाल लिया है इसको, और इसको लगाने से पहले इस बुश बेलो के ऊपर अच्छी तरह से फेवी बॉन्ड लगा लेंगे। दोस्तों इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि फेवी बॉन्ड ही लगाएं आप, मार्केट में आने वाली फेवी किक वगैरह वो आप बिल्कुल भी ना लगाएं, ठीक है। कईयों में ये इसमें पहले ये कड़ा वाला बुश बेलो था, अब अपन कड़ा वाला नहीं लगाएंगे। अभी अपने पास ये मल्टी बुश बेलो है जिसको एक बार बिठा के देख लेते हैं कि बिल्कुल सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो रहा है, तो इसको वो लगा लेंगे फेवी बॉन्ड लगा के ऊपर से इस टाइप से हाथ लगा लेंगे, और नीचे से वो जो कड़ा दिखाया था अभी मैंने वो अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो ये मैंने बैठा के देख लिया बिल्कुल सही आ रहा है, इसको अच्छी तरह से सेट कर देंगे और इसको लगा लेंगे और यहाँ पे अच्छी तरह से फेवी बॉन्ड लगा देंगे। तो इसके चारों तरफ ये जो रबड़ की रिंग दिख रही है आपको, इसके चारों तरफ फेवी बॉन्ड लगा के और अच्छी तरह से टाइट मजबूती से इसको कस देंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना कचरा ना बच जाए, गंदगी बिल्कुल नहीं बचनी चाहिए। ये फेवी बॉन्ड है दोस्तों, मार्केट में आने वाली फेविकिक वगैरह इसका बिल्कुल यूज ना करें। मैं दोबारा दोहराना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं फेविकिक लगा देते हैं जिससे बुश बेलो टाइट हो जाता है और थोड़े दिन में 2-4 दिन 5 दिन में वो कट जाता है। ये सबसे पहले मैं यहाँ पे फेवी बॉन्ड लगा लेता हूँ। फेवी बॉन्ड लगाने में कंजूसी ना करें दोस्तों, फेवी बॉन्ड अच्छी तरह से लगाएं। और अब इस बुश बेलो के ऊपर भी लगा लेंगे, इसके भी चारों तरफ अच्छी तरह से बॉन्ड लगा लेंगे।
अगर फेविबॉन्ड नहीं लगाओगे आप अच्छी तरह से तो क्या होगा, पानी लीकेज होगा और सीधा डायरेक्ट मोटर के ऊपर जाएगा पानी और आपकी मोटर भी जल जाएगी। अब फेविबॉन्ड लगा के इसको सीधा का सीधा बिठा देंगे दोस्तों, बिल्कुल सेंटर में बिठाएं दोस्तों, इसको अनबैलेंस नहीं करना है, बिल्कुल सेंटर में लगाना है इसको। और सेंटर में लगा के और ऊपर हाथ से इसको अच्छी तरह से दबा लेना है और फिर इसके नीचे एक कड़ा है ये टाइट कर देंगे, कस देंगे नीचे की साइड में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इसको कड़ा को अपन नीचे की साइड में ले सकते हैं और इस बुश बेलर के ऊपर अच्छी तरह से हाथ लगा के नीचे की साइड में दबा लेंगे इसको। ये बुश बेलो को मैंने दबा लिया है और कड़े को नीचे की साइड से अच्छी तरह से कस देंगे, ये नीचे की साइड में। अभी इस मोटर को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा अपने को और टेढ़ा करके इसमें जो है बुश बेलो का जो नीचे वाला कड़ा है, ठीक है, उस कड़े को अपन डालेंगे और मैंने डाल दिया है दोस्तों। और इसको आसानी से जो है इसको टाइट कर देंगे, इसको ये मैंने लगा लिया है, एक दो चूड़ी मार दी है। इसी टाइप से आप भी इसको घुमा के टाइट करेंगे दोस्तों, इसको लूज नहीं छोड़ना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। अगर आवश्यकता से ज़्यादा ही टाइट कर दोगे ना तो बिस वेलो फट जाएगा फिर अपना, फिर पानी लीकेज होने लग जाएगा। अब इसको ज़्यादा टाइट करने के लिए क्या करेंगे, अपने पास फ्लेट टाइप का पेचकस लेंगे, है ना, और फ्लेट टाइप का पेचकस लेके और इस कोणों पे लगा के हल्का हल्का ठोक देंगे ताकि ये टाइट कस जाएगा अच्छी तरह से। ये पेचकस यहाँ कोणों पे लगाएंगे, और इसको अच्छी तरह से कसने के बाद में जो है इसके जो शॉकर हैं उनको भी अपन चेंज करेंगे। शॉकर है वो सैमसंग कंपनी के नाम से आप खरीद के परचेज करके लेके आ सकते हैं। और शॉकर अगर दोस्तों आप बदलेंगे ना तो मैं नेक्स्ट जो पार्ट डालूंगा उसमें शॉकर भी अपन बदलना सिखाएंगे कि शॉकर कैसे बदला जाएंगे। आज की वीडियो में अपन बुश बेलो ही रिप्लेस करना सिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद में प्रॉब्लम आती है। ये पेचकस से इस बुश बेलो को ठोके में टाइट कर देता हूँ, है ना, और टाइट उतना ही करना है कि जितना हल्की हल्की चोट में है टाइट हो जाए, ऐसा नहीं कि आप जब पूरी ताकत लगा दें इसको तोड़ दें। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। ये बुश बेलो अच्छी तरह से लग गया है दोस्तों, बिल्कुल सेंटर में लगा है दोस्तों। और अब इस बुश बेलो के नीचे की साइड में बिल्कुल भी गैप नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पे है ना बिल्कुल भी गैप नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे अपन है ना फेविबॉन्ड ऊपर से और भर देंगे ताकि लीकेज की समस्या न बनी रहे, लीकेज न हो जाए, इसलिए यहाँ पे दोबारा से फेविबॉन्ड को अच्छी तरह से भर देंगे दोस्तों। मैंने पहले ही बोला है कि फेविबॉन्ड की तो बिल्कुल भी कंजूसी न बरते हैं, नहीं आप क्या करोगे जो टेक्नीशियन का खर्चा बचाओगे उससे ज़्यादा मोटर में वापस लगा दोगे आप, क्योंकि मोटर जल जाएगी आपकी। दोस्तों अगर आपको बुश बेलो लगाने में या गेयर बॉक्स चेंज करने में या वॉशिंग मशीन के किसी भी तरह के फॉल्ट को अटेंड करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं ताकि मैं आपको समस्या का हल बता